बताता हूँ क्योंकि इसको बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अभी फटाफट से ना सबसे पहले मैं नीचे उतरता हूँ। बाहर से तो मैंने आपको पूरी पूरी लुक जो है दिखा दी है, अभी अंदर से जब मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने नदी वदी बना दी है, मतलब नदी नहीं है, छोटा सा ना मैंने एक वाटर ट्रैप बनाया है ताकि ज़ॉम्बीज वगैरह अगर मेरे घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो इस वो वाटर में आकर अटक जाए, मतलब छोटी सी मैंने रिवर टाइप बनाई है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग लेफ्ट की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना मेरे फार्म के अंदर काफ़ी सारी बफेलो हो चुकी है, तो भाई खाने की सच्ची में बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। और यहाँ पर जो मेरा ये एरिया था ना, इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बीच वाला जो एरिया ना ये मैंने अभी अलग से बनाया है, इसके अंदर या तो हम लोग पिग लाएंगे या फिर हम लोग मुर्गी लाएंगे, जो कि एकदम परफेक्ट है। वन टू सेम टू सेम इस साइड पर भी ये जंप मार्केट लगा दिया। ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली यहाँ पर मैंने हर एक पोल पे बढ़िया तरीके से लाइट्स भी लगा दी है और यहाँ पर एक दो लैंटर्न और रह रहे हैं जो कि मुझे लगानी है। और अब आप लोग देखो अपना जो कासल है वो एकदम इतना ज्यादा भर चुका है, पहले एकदम खुला खुला लगता था पर अभी काफी सारी लाइट्स हो गई है तो पूरा एरिया तो ब्राइट हो गया है। बट हाँ जो भी बाउंड्री वाला एरिया आप लोग देख पा रहे हो वो अभी भी काफी ज्यादा डार्क है, तो मुझे पहले ना वहां पर कुछ ना कुछ बिल्ड करना।